हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। आज के इस सेक्शन में हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को समझेंगे। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज़ द मोस्ट पावरफुल टेक्निकल टूल फॉर स्विंग ट्रेडिंग। यस, काफ़ी सारे स्विंग ट्रेडर्स सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन टेक पोटेंशियल बाय एंड सेलिंग पॉइंट इन द ट्रेडिंग। यस, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर काफ़ी वाइडली यूज होता है ट्रेडर्स के थ्रू बिकॉज ये आपको मार्केट में ना करंट ट्रेंड के बारे में एक क्लियर आइडिया प्रोवाइड करता है। सुपर ट्रेंड हेल्प्स यू टू टेक द होल ट्रेंड। दैट मीन्स कि जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हम एंट्री ले लेते हैं और काफ़ी बार हम ट्रेड से अर्ली एग्जिट कर जाते हैं और ट्रेंड बहुत लंबा टाइम तक जाता है, ठीक है। एंड सुपर ट्रेंड हेल्प यू टू कैच द होल ट्रेंड। यस, सुपर ट्रेंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इंडिकेटर इज़ रियली वेरी गुड, ठीक है। वी ऑल नो दैट कि स्विंग ट्रेडिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट में करेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड लें, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कि करंट ट्रेंड है ना, हम उसको पूरा कैच कर सके ताकि हमें एक बड़ा प्रॉफिट हो। और सुपर ट्रेंड आपकी इसी चीज़ में मदद करता है। सुपर ट्रेंड इज़ वेरी सिंपल, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो होता है ना, उसमें लाइन्स होती हैं, द ग्रीन लाइन एंड द रेड लाइन। जो ग्रीन लाइन होती हैं दैट शो कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आप ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पर बुलिश ट्रेंड है, एंड द रेड लाइन शो कि यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड है और यहाँ से ट्रेड नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये दो ही लाइन होती हैं जिस पर आपको फोकस करना होता है। चार्ट पे देखिए, अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का, तो देखिए यहाँ से जो ट्रेड है वो अपसाइड एंड अपसाइड जा रहा है, और अगर यहाँ पर मूविंग एवरेजेस आई मीन टू से सुपर ट्रेंड के नीचे जा रहा है ट्रेड, तो देखिए इसके बाद डाउनसाइड आएगा। और अगर आप इन सुपर ट्रेंड को यूज़ करते हैं तो देखिए आप मार्केट में कितना बड़ा ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप एक बार ट्रेड लेंगे और उसके बेसिस में आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लें कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर किस तरीके से फॉर्म होता है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी जो है वो एक कैलकुलेशन पर बेस्ड है। इसमें जनरली हम ATR को यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड मार्केट की करंट वॉलेटिलिटी क्या है, मार्केट का करंट ट्रेंड क्या है, और उसको फिर हम मल्टीपल कर देते हैं और सुपर ट्रेंड निकल आता है। बट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट योर सेल्फ, आपको सिर्फ जाना है अपने इंडिकेटर के सेक्शन में, वहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड पुट कर देना है। आपको सुपर ट्रेंड सभी ट्रेडिंग टर्मिनल पर अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ पर जाके ना आपको ये पुट कर देना है। यहाँ पर आपको कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करना है। जनरली यहाँ पर 10 और 3 की सेटिंग होती है, आपको एज इट इज़ ही रखना है। आगे जाके अगर आपको कभी लगता है कि आपको कोई खुद की स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, देन आप वो टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। बट करंटली आपको ये जो टाइम फ्रेम है ये 10 और 3 पर ही पुट करना है, कोई भी मेजर चेंजेस नहीं करना है। सिंपल है, अगर जो हमारा ट्रेड है वो इस जो हमारा सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन कलर का फॉर्म हो रहा है, देन आपको उसमें लॉन्ग पोजीशन लेना है, आपको बाय की एंट्री लेना है बिकॉज इट जनरली शो कि यहाँ पर जो है बायर एक्टिव है और ट्रेड यहाँ से अपसाइड जाएगा। सिमिलरली अगर सुपर ट्रेंड रेड कलर का फॉर्म हो रहा है तो दैट शो कि यहाँ से सेलर एक्टिव होगा और यहाँ से जो ट्रेंड है वो वीक होने वाला है, तो आपको वहाँ पर शॉर्ट सेल कर देना है या फिर आपको वहाँ पर कोई भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेना है। सुपर ट्रेंड ऑल्सो वर्क एज अ ग्रेट स्टॉप लॉस। यस, आप इसको स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपका इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी कम हिट होगा बिकॉज इसमें स्टॉप लॉस आपका तभी हिट होगा जब आपका ट्रेंड रिवर्सल होने वाला होगा, तो आप इसमें सही तरीके से स्टॉप लॉस भी पुट कर सकते हैं। आप सुपर ट्रेंड को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके चलते आप मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से आप सुपर ट्रेंड को एज एन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको एक कंफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। कंफर्मेशन की सेम से याद आया गाइस कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये काफ़ी बार आपको फॉल्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी बार आपको लेट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडिकेटर्स को ना सोडली यूज़ ना करें। यू हैव टू यूज़ दैम विद अ सर्टेन थिंग, जैसे कि अगर आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ इट विद अ मूविंग एवरेजेस ताकि आपको क्लियर एंट्री मिल सके, या फिर आप इनको वॉल्यूम के साथ यूज़ कर सकते हैं एज एन कन्फर्मेशन ताकि आपको क्लियर हो कि किस पॉइंट पर बायर एक्टिव है, किस पॉइंट पर सेलर एक्टिव है, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। इसीलिए जो भी इंडिकेटर मैंने शेयर किया, दैट इज़ वो चाहे मूविंग एवरेजेस हो, चाहे या फिर MACD इंडिकेटर हो या फिर सुपर ट्रेंड हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको ना कोई दूसरे इंडिकेटर के साथ मिक्स करें। और अगर मिक्स की बात हो ना, तो आपको इनको हमेशा वॉल्यूम के साथ यूज़ करना चाहिए बिकॉज वॉल्यूम वर्क ग्रेट फॉर कन्फर्मेशन। ये आपको मार्केट में ना फॉल्स सिग्नल से हमेशा बचाती है। मैं आगे लास्ट में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम भी बताऊँगी कि वाई वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। तो
आप हमेशा सुपर ट्रेंड को वॉल्यूम के साथ यूज़ कीजिए सो दैट आपके सही पॉइंट पर आप एंट्री ले पाएँ। चलिए मैम, मैं चार्ट में चलती हूँ, वहाँ पर मैं आपको डिटेल से इस इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड क्या होता है और किस तरीके से आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर मैंने बालकृष्णा का चार्ट ओपन करा हुआ है। यहाँ पर ना हमने वनडे का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है बिकॉज हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जिसमें हम जनरली बड़े टाइम फ्रेम को पुट करते हैं। यहाँ पर आप वन डे, वन वीक, 4 आवर, इन सब का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी वन डे इज़ बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो आप यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम पुट कीजिएगा। यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड ना सिंपली अपने इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आप जैसे ही सुपर ट्रेंड डालेंगे ना ये आ जाएगा। आपको कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करना है, आपको सेटिंग इसकी एज इट इज़ रखना है, दैट मीन्स 10 और 3, नो चेंजेस, ठीक है। इसके अलावा मैंने चार्ट में वॉल्यूम पुट करी हुई है। हम किस तरीके से सुपर ट्रेंड प्लस वॉल्यूम को यूज़ करते हैं मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम सुपर ट्रेंड को समझते हैं कि एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड इंडिकेटर किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है और किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो बहुत सिंपल है गाइस, जो सुपर ट्रेंड होता है ना वो 2 कलर की लाइन से बनता है। द वेरी फर्स्ट इज आर ग्रीन लाइन एंड द सेकेंड इज आर रेड लाइन। ग्रीन लाइन शो करता है कि यहाँ पर मार्केट में सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ पर अब जो है ट्रेड डाउन साइड जाएगा, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका होता है। तो जनरली हमें सिग्नल देता है एज अ ट्रेंड रिवर्सल कि अब तक यहाँ पर अप ट्रेंड था, बट अब जो सुपर ट्रेंड रेड कलर का हो गया है दैट शो कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया और यहाँ से जो ट्रेंड है वो अब डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड हमें जनरली सिग्नल देता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो डाउन साइड जाएगा बिकॉज यहाँ पर सेलर एक्टिव है, ठीक है। सिमिलरली अब जैसे ही सुपर ट्रेंड यहाँ पर ग्रीन कलर का फॉर्म होने लगता है दैट शो कि यहाँ पर बायर ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और यहाँ से जो ट्रेड है वो अपसाइड जाएगा इस तरीके से। तो सिंपल है, अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का फॉर्म हो रहा है दैट मीन सेलर एक्टिव है, यहाँ से ट्रेंड डाउन साइड जाएगा, सो यू हैव टू शॉर्ट सेल द मार्केट अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करें। सिंपली अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का फॉर्म हो रहा है देन दैट मीन्स वहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ से ट्रेड अपसाइड जाएगा, तो आपको वहाँ पर बाय का ट्रेड लेना है, ठीक है। सुपर ट्रेंड हेल्प यू टू कैप्चर द ओवरऑल ट्रेंड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। द वेरी फर्स्ट थिंग सुपर ट्रेंड डू इज कि सुपर ट्रेंड आपको ट्रेंड रिवर्सल का बताता है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का बताता है। दैट मीन्स अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का है तो यहाँ से जो ट्रेड है वो अपसाइड जाएगा, देखिए इस तरीके से। सिमिलरली अगर सुपर ट्रेंड रेड कलर का है तो वहाँ से ट्रेड डाउन साइड जाएगा इस तरीके से। तो सुपर ट्रेंड हमें सबसे पहली चीज़ क्या बताता है कि यहाँ पर ट्रेंड क्या है और ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से होने वाला है। जैसे कि ग्रीन था, रेड हुआ तो यहाँ पे डाउन साइड आया, अप था फिर रेड हुआ तो डाउन साइड आया, तो आप इससे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, ट्रेंड रिवर्सल का पता कर सकते हैं। नाउ सुपर ट्रेंड आपकी मदद करता है, थर्ड थिंग सुपर ट्रेंड आपकी मदद करता है बड़े मूव कैप्चर करने में, यस, बिकॉज हम स्विंग ट्रेडिंग करते तो उसमें हम जनरली मार्केट के बड़े ट्रेंड के ऊपर फोकस करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम छोटे छोटे मूव्स पे फोकस करते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग में हम जनरली बड़े मूव्स को कैच करने की कोशिश करते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग हेल्प यू टू डू दैट। किस तरीके से, देखिए जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो कितनी बार हाई एंड लो था, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ सो दैट हम ये क्लियर समझ पाए। देखिए कितनी बार अप गया, डाउन गया, अप गया फिर डाउन गया, फिर अप गया फिर डाउन गया, फिर अप गया फिर डाउन गया। सो एज इन जर्नल अगर हम इस तरीके से रैली को डाउन होते हुए देखते हैं तो हम काफ़ी बार हमारा जो ट्रेड है उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। बट अगर आप सुपर ट्रेंड के बेसिस में रहते हैं तो ये आपको पूरा मूव कैप्चर करने में मदद करता है। देखिए बिकॉज आप ट्रेड जब तक होल्ड करेंगे जब तक सुपर ट्रेंड दूसरे कलर में फॉर्म नहीं कर देता, और उस कंडीशन में देखिए आप मार्केट में ये जो पूरा मूव था वो कैच कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने इस पॉइंट पर ट्रेड लिया होता तो देखिए ये ट्रेड ऑलमोस्ट 535 पॉइंट तक गया था, तो आप इतना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कोई दूसरा इंडिकेटर यूज करते तो आप यहाँ पर बीच में ही एग्जिट हो जाते और आपको छोटा ही प्रॉफिट होता। आई होप ये क्लियर हो कि किस तरीके से आप सुपर ट्रेंड के बेसिस में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। ओके, नाउ हम फोर्थ चीज समझते हैं कि किस तरीके से सुपर ट्रेंड आपकी मदद करता है। सो फोर्थ में हम समझेंगे कि सुपर ट्रेंड किस तरीके से आपको मदद करेगा एज एन स्ट्रैटेजी बेसिस। यस, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया आप उसको भी एज एन यूज करके मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए सुपर ट्रेंड ने हमें सबसे पहले सिग्नल दिया है कि यहाँ से ट्रेंड में चेंजेस आने वाला है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यहाँ से अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें एज एन स्ट्रैटेजी के बेसिस में इसमें ट्रेड लेना है। तो इसमें ट्रेड लेने के लिए ना आपको सिर्फ डायरेक्टली जंप नहीं कर देना है कि ये ग्रीन कलर का फॉर्म हुआ है तो वी विल टेक द बाय ट्रेड। नो गाइज, इस तरीके से ये वर्क नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो
आपको अगर सुपर ट्रेंड को एज एन स्ट्रैटेजी यूज करना है ना, तो सिर्फ हम सुपर ट्रेंड पर ही फोकस नहीं करेंगे. यू हैव टू फोकस ऑन द वॉल्यूम एंड द कैंडल फॉर्मेशन फॉर बेटर एक्यूरेसी. बिकॉज यू ऑलवेज हर्ड दैट कि सुपर जितने भी टाइप के इंडिकेटर होते हैं वो कभी कभार फॉल्स सिग्नल दे देते हैं, कभी कभार लेट सिग्नल देते हैं, राइट. और उन्हीं को ब्रेक डाउन करने के लिए, उनकी मिनिमम करने के लिए और इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए ना, हम इसे वॉल्यूम और कैंडल्स के साथ यूज करेंगे, ठीक है. ओके, सो जब भी हमारे सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का फॉर्म हो, देन वी विल वेट कि कब मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, ओनली देन वी आर गोइंग टू टेक ट्रेड इन इट, ठीक है. तो जैसे कि इस पॉइंट पर ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर बड़ी फॉर्म हुई थी, वॉल्यूम भी हाई थी, बट इस पॉइंट पर आपको ट्रेड नहीं लेना है. वाई? बिकॉज इस पॉइंट पर जो है, यहाँ पर हमारे सुपर ट्रेंड ने जस्ट कलर चेंज किया है और इस कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है. जैसे ही सुपर ट्रेंड अपना कलर चेंज करा, वेट फॉर वन और मोर, वन और टू कैंडल्स, ठीक है. इसके बाद ही आपको उसमें एंट्री लेना है. अब इसके बाद रेड कलर के कैंडल फॉर्म हो गए, सो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे. देन वी विल वेट कि कहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो रही है बड़ी बॉडी के साथ, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, वी आर गोइंग टू टेक ट्रेड ऑन दैट बेसिस. तो देखिए इस पॉइंट पर, यहाँ पर सब में लॉन्ग विक थी तो हमें इसको अवॉइड करना है. यहाँ पर जाके कैंडल की वॉल्यूम इंक्रीज है, बॉडी इंक्रीज है, हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे. स्टॉप लॉस आपको अपने जो है लास्ट कैंडल के जो लो है उस पर आपको पुट कर देना है, या फिर आप सुपर ट्रेंड के लो पर पुट कर सकते हैं. देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पर आपको वेट करना था जब तक कि हमारा सुपर ट्रेंड हमें रेड कलर का सिग्नल नहीं दे देता ना, हम इसमें एंट्री में आई मीन टू से इस ट्रेड में बने रहेंगे. और अगर इस तरीके से बात थी ना गाइस, तो देखिए इस पॉइंट पर सुपर ट्रेंड यहाँ जाके 564 पॉइंट का आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है. देखिए इस तरीके से, अब सुपर ट्रेंड यहाँ पर रेड कलर का फॉर्म हो गया था, आपको अपने मार्केट्स में एग्जिट कर देना था. और देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर हाई प्रॉफिट होता. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग. बिकॉज ना, जब भी आप सुपर ट्रेंड यूज करते ना, तो आप मार्केट में एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो और आपको सिंपली बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा. एंड दैट इज आवर होल पर्पस ऑफ डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, ताकि हम इजीली 15-20% तक मार्केट से अर्न कर सकें. अब देखिए यहाँ पर, इफ यू आर शॉर्ट सेलर देन आप शॉर्ट सेल कर सकते थे. अब देखिए अगेन यहाँ पर ग्रीन कलर का सुपर ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, इस कैंडल पर हो रहा है, सो एंड देन वी विल वेट फॉर वन और टू कैंडल. अब यहाँ पर देखिए थर्ड कैंडल की बॉडी भी बड़ी थी, ओके, वॉल्यूम भी बड़ी थी, हम जनरली यहाँ ट्रेड ले लेंगे. स्टॉप लॉस हमें सुपर ट्रेंड के लो पर पुट कर देना है इस तरीके से. और अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता, तो देखिए सुपर ट्रेंड यहाँ पर कहाँ तक गया था, सबसे पहला आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट होता. देखिए इस तरीके से इसमें आपको हाई प्रॉफिट होता. सुपर ट्रेंड यहाँ पर रेड कलर का फॉर्म हो गया था, फिर देखिए फिर इसने अप ट्रेंड कंटिन्यू करा, देन अगेन हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, बड़ी वॉल्यूम है. देखिए हमेशा याद रखिएगा, आपको ट्रेड ना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना. देखिए आप इसमें ना मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हैं और देखिए इसमें आपको कितने बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं. दैट विल हेल्प यू टू मेक मनी. इसमें आपका ब्रोकरेज भी काफ़ी कम लगता है, बिकॉज हम कम ट्रेड ले रहे हैं तो ब्रोकरेज कम लगेगा, जिसमें हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल काफ़ी हाई है. और देखिए इस तरीके से ना इसमें आपको प्रॉफिट होता है. जब भी ये रेड कलर का होने लगे, देन इसमें समझ लीजिए कि मार्केट में शॉर्ट सेल करना है, तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है. देखिए इस तरीके से इसमें आपको प्रॉफिट होते. अब हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड लेना है ना, देन आपको इस ग्रीन लाइन और रेड लाइन पर फोकस करना है और उसके बेसिस में आपको ट्रेड लेना है. यही इस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करती है. मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से आप सुपर ट्रेंड को एज एन स्ट्रैटेजी बेसिस में यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. बट बिफोर दैट, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग अबाउट द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, एंड दैट इज हाउ यू कैन यूज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एज एन स्टॉप लॉस. यस, आप सुपर ट्रेंड को एज एन स्टॉप लॉस और एज एन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं. यस, बिकॉज मार्केट में हमें लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, वी कैन मिनिमाइज दोज लॉसेस. और उन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट काफी सारे लोग स्टॉप लॉस पुट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके लॉसेस काफी बड़े होते हैं, उनके प्रॉफिट्स काफी छोटे होते हैं. एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सिग्नल के बेसिस में ट्रेड ले रहे हैं, देन बिफोर टेकिंग एंट्री इन एनी ट्रेड यू शुड डिसाइड योर स्टॉप लॉस बिफोर. यस, आपको स्टॉप लॉस सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगा और आपका टारगेट कहाँ होगा. दैट मीन्स यू शुड नो योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अबाउट द ट्रेड, ओनली देन यू आर गोइंग टू टेक ट्रेड इन इट. बिकॉज इसी तरीके से आप मार्केट में क्वालिटी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है.
मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यू कैन फोकस ऑन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थिंग और द रिस्क मैनेजमेंट थिंग। सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को क्लियर करते हैं। तो आप किस तरीके से सुपर ट्रेंड को एज एन सपोर्ट एंड सॉरी एज एन स्टॉप लॉस यूज करते हैं, सिंपल है। जब भी आप जिस भी पॉइंट पर ट्रेड ले रहा है ना, तो उसके लो जो भी सुपर ट्रेंड का लो है ना, आपको वहां पर अपना स्टॉप लॉस पुट कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे जैसे आप ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता जाए, आप ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है ना, इसके बेसिस में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे था, ठीक है, फिर जैसे आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर पुट कर लीजिए, अब फिर प्रॉफिट हुआ आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर पुट कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर करते ना, तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक इन होता जाएगा, और आगे जाके अगर ट्रेंड रिवर्स भी हो जाता है देन यू हैव सम थिंग इन योर ट्रेड ऑलरेडी, दैट मीन्स कि आपको उसमें प्रॉपर लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करें, ताकि हमें कुछ लॉस ना हो, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए और हम अच्छे से ट्रेड ले पाए। जैसे देखिए अगेन आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पुट कर सकती थी और फिर उसको ट्रेल कर सकती थी इस तरीके से। अगेन यहाँ पर आप अपना जब ट्रेड लिया था आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस पुट कर देना था, देखिए इस तरीके से, और इसको आप ट्रेल कर सकती थी। तो स्टॉप लॉस आई मीन सुपर ट्रेंड को आप एज एन स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो, देखिए उसके बेसिस में ना भी आप इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे, देखिए 500 का, 300 का, फिर 500 का, फिर 700 का, इस तरीके से इसमें आपको बड़े प्रॉफिट होंगे। अब मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि किस तरीके से आप सुपर ट्रेंड को एज एन स्ट्रैटेजी और एज एन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जितना भी चीज़ है वो हम किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए सुपर ट्रेंड एक बहुत अच्छा वे है जिसके थ्रू आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, मार्केट में एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लुक एट दीज थिंग और उसके बेसिस में आप सिंपल ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सिंपल है, एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये ग्रीन कलर की जो सुपर ट्रेंड है वो फॉर्म होने लगी है, ठीक है, इस तरीके से। सो आपको क्या करना है, हमें वेट करना है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, ठीक है। वाई, बिकॉज ग्रीन सुपर ट्रेंड फॉर्म हुआ है दैट मीन्स ट्रेंड अपसाइड में है, ग्रीन के बाद फॉर्म हुआ है दैट मीन्स ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। थर्ड थिंग कि जो सुपर ट्रेंड है उसमें देखिए बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम यहाँ पर बाय का ट्रेड ले लेते हैं इस तरीके से। स्टॉप लॉस आपको सुपर ट्रेंड के बिलो पुट कर देना है इस तरीके से। और अब हम ट्रेड में कब तक रहेंगे, जब तक कि हमें सुपर ट्रेंड रेड कलर का फॉर्म नहीं हो जाता। और देखिए इस पॉइंट पर 436 पॉइंट हमें का प्रॉफिट होता, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट, आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते थे। अब देखिए अगेन यहाँ पर ग्रीन कलर का सुपर ट्रेंड फॉर्म हुआ है, बट हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। वाई, बिकॉज इस पॉइंट पे ना सिर्फ रेड ही रेड कलर की कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। अब यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, सो वी आर गोइंग टू टेक ट्रेड ओवर हियर। देखिए इस पॉइंट पर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पुट करेंगे, और देखिए इस तरीके से इन जस्ट वन मंथ आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट होता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगेन देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जिसके बेसिस में ना आप ट्रेड ले सकते हो और वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। यू जस्ट हैव टू फोकस कि आप जब भी एंट्री ले, ठीक है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन टू थिंग, दैट इज़ कि सुपर ट्रेंड वहाँ पर अपना कलर राइट ट्रेंड के अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहा हो, कैंडल में इंक्रीजमेंट हो रही हो और कैंडल की वॉल्यूम भी बढ़ी हो, उसी कंडीशन में आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं लेंगे। और देखिए इस तरीके से आपको फिर से यहाँ पर मोर देन 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। सुपर ट्रेंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्विंग ट्रेडिंग गाइस, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू कैप्चर बड़े बड़े ट्रेंड फ्रॉम द मार्केट। देखा इस तरीके से ये हमेशा आपको मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड प्रोवाइड करेगी। एंड यू ऑलवेज हर्ड दैट कि जब भी आप मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं ना, तो ऑलरेडी आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाती है और उसमें आपको बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखिए अभी यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड है वो रेड कलर की फॉर्म हो। सिमिलरली यहाँ पर जो है मार्केट में अप ट्रेंड था, तो देखिए जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन कलर की फॉर्म होती थी, और इसके बेसिस में आप यहाँ पर सिंपली ट्रेड ले सकते थे और इसमें आपको हमेशा प्रॉफिट होता, ठीक है। इस तरीके से इस इंडिकेटर को यूज करना इज वेरी सिंपल। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस इंडिकेटर ना, देन आप वो मुझसे नीचे Q&A के सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा,
आप वहां पर मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा वे है गाइस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही तरीके से ट्रेड करना आता हो। ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट, अदरवाइज ना आप उससे प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का फॉर्म हो रहा है। सिंपली हमें यहाँ पर बाय का ट्रेड ले लेना है, स्टॉप लॉस आपको सुपर ट्रेंड के बिलो पुट करना है और आपको प्रॉपर वेट करना है जब तक कि सुपर ट्रेंड रेड कलर का फॉर्म नहीं हो जाता। देखिए 600 पॉइंट का प्रॉफिट होता, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर है। आप इस इंडिकेटर को ना दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, दैट मींस कि अगर आप मूविंग एवरेजेस की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो या फिर आप प्राइस एक्शन के बेसिस में इस ट्रेडिंग कर रहे हैं, देन आप इस इंडिकेटर को एज एन सेकेंड ओपिनियन के बेसिस में पुट कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि यस आप मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इस तरीके से ये इंडिकेटर्स को आप एज एन सोल पर्पस यूज कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। आप इनको दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं बिकॉज वो आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी और इस तरीके से ना आप मार्केट में बड़े बड़े प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्विंग ट्रेडिंग गाइस, बिकॉज ये आपको बहुत कम फॉल्स सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये आपको हमेशा मार्केट में सही ट्रेंड का आइडिया प्रोवाइड करेगा, सही सिग्नल प्रोवाइड करेगा, जिसके बेसिस में ना आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो कि किस तरीके से आप सुपर ट्रेड को यूज कर सकते हैं, वो क्लियर हो। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको रेड और ग्रीन पे फोकस करना है, वॉल्यूम और कैंडल पे फोकस करना है और उसके बेसिस में आप यहाँ पर एनालाइज भी कर सकते हो, ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो आई होप ये क्लियर हो कि एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, देन आप वो नीचे मेन सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। सो आई होप ये क्लियर हो, सुपर ट्रेंड इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग। हमेशा सुपर ट्रेंड को यूज कीजिएगा ट्रेडिंग में टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड क्लियरली, ठीक है। इसके बेसिस में आप मार्केट में हमेशा एक्यूरेट ट्रेंड के साथ ट्रेड लेंगे जिससे आपको हाई प्रॉफिट होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कोई दूसरा इंडिकेटर जो कि आपकी मदद करेगा स्विंग ट्रेडिंग करने में। ओके।